करेंगे कि इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो इन सेंटर कैसा पॉइंट होता है एक ट्रायंगल के अंदर जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं, तो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एंगल बाइसेक्ट से बनता हो, ठीक है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल का ऐसा पॉइंट इंटरसेक्शन जो बाइसेक्टर से बनता हो, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है तो वो हम देखते हैं, पहले ध्यान से देखना पहले। ये एक ट्रायंगल है जिसका मैं नेम देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर एक एंगल होगा, यहाँ पर एक एंगल होगा, कुछ तो एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं इस एंगल को ए मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं बी मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं सी मान लेता हूँ। अब इस एंगल को बिल्कुल बीच में से डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल बीच से डिवाइड करता हूँ, यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ इस एंगल को, और यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ इस एंगल, ठीक है। तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल इक्वल, मतलब कि यहाँ पर ए बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर ए बाई टू हो जाएगा, ऐसे रहे बी बाई टू और यहाँ पर बी बाई टू, ऐसे सी बाई टू और सी बाई टू। तो ये तीनों एंगल क्या हो गया, इक्वल इक्वल इसमें में डिवाइड हो, तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और जो इन एंगल बाइसेक्टर से जो जो ये पॉइंट बना है, मतलब कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं इन सेंटर, क्या बोल देते हैं इन सेंटर बोल देते हैं, और इसे डिनोट करते हैं आई से। समझ आए क्या होता है इन सेंटर, ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर से बनता हो। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बिल्कुल बीच में से डिवाइड करे, मतलब इधर वाला एंगल उधर वाला एंगल, मतलब दोनों बराबर हो, ठीक है, और उनसे इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा, उनसे बना हुआ पॉइंट, उसको हम इन सेंटर बोल देते हैं। अब होता क्या है कि इन सेंटर पूछ लेता है कि इन सेंटर पॉइंट अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट ले लेता हूँ एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट ले लेता हूँ एक्स टू वाई टू, सी पॉइंट ले लेता हूँ एक्स थ्री। अब निकालते हैं आई, ठीक है, आई के कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि एक्स वाला पॉइंट और वाई वाला पॉइंट, कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं आई के एक्स वाले पॉइंट की, तो क्या होगा, ए वन एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए बी सी क्या हो गया, तो ये होते रहे साइड, बी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल बी कह दूंगा, ए के सामने वाली को स्मॉल ए कह दूंगा, सी के सामने वाली को स्मॉल सी कह दूंगा, मतलब ये साइड होगी जो आपको दी होगी, पॉइंट आपको गिवन होंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और पॉइंट की वैल्यू पुट करनी है, आपका आई एक्स आ जाएगा। ऐसे आई वाई निकालना हो तो वो ए वाई वन बी वाई टू सी वाई डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से हमारा आई वाई आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आई पॉइंट हम निकाल सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर और यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर, और ये पॉइंट हमारा क्या आया इन सेंटर, क्या आया इन सेंटर। ये हमने देख लिया राजे, इन सेंटर पॉइंट कैसे बनता है, बाइसेक्टर बनता है, और इसको हम आई भी नोट कर लेते हैं, और आई कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं राजे, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से जब इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये तीनों जो लाइन है, ठीक है, वो क्या हुई, इक्वल दिखी। क्या मतलब, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, मतलब कि तीनों लेंथ जो थी इक्वल देखेगी। अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं, यहां से अगर मैं बी पॉइंट दे दूं, यहां से ई दे दूं, यहां से एफ दे दूं, तो क्या देखा गया, आई डी इक्वल हुआ आई एफ के, इक्वल हो गया आई ई के, मतलब कि तीनों इक्वल देखेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस तीनों लाइन को रेडियस मानते हुए यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ऐसे मान सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस मान लिया इन्होंने, और इसको इन्होंने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, और इस स्मॉल आर को हम बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस बोलते हैं।
और इन्होंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल को हम बोल देते हैं इन सर्कल। समझ में आया? फिर से करते हैं, एक ट्रायंगल राजे एंगल बाइसेक्टर खींचा, उससे राजे हमारा जो पॉइंट आया उसको हमने बोल दिया इन सेंटर। इतनी क्लियर बात। इन सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तीनों लाइन पर, तो वो तीनों क्या दिखी, वो तीनों इक्वल लेंथ की पाई गई। तो उन्होंने क्या किया, इसको आर मानते हुए, रेडियस मानते हुए, इन रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिस सर्कल को हम इन सर्कल के नाम से जानते हैं। तो ये होता है इन सर्कल, ठीक है? ओके राजी। तो इसमें इन सेंटर के अंदर यही बात थी कि भी इन सर्कल क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, ठीक है? तो इतना याद रखना आपने।